मोटो ने आज एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। नाम है इसका मोटो G45 5G। क्या आपको ये फोन कंसीडर करना चाहिए, क्या इसमें है कोई बग्स या फिर क्या है इसके एक्स फैक्टर, इन सब के बारे में आज बताएंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। So friends, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो बॉक्स है ना भाई साहब, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। आपको सब स्टैंडर्ड चीजें जो फोन के बॉक्स के अंदर मिलती है, बजट फोन के अंदर, जी हाँ बजट फोन के अंदर वो सब मिलती है, और साथ ही साथ 20 वॉट का एक एडाप्टर भी मिलता है। So friends, अब बॉक्स की बात तो हमने देख लिया, बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, उसके बाद देख लेते हैं फोन में क्या है। तो फोन का बैक पैनल है वो विगिन लेदर का है, और जो इसका कलर है मेजेंटा कलर, देखने में काफी अच्छा लगता है वैसे। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बैक पैनल का कलर है उससे मैच करते हुए इन्हें जो आपका कैमरा मॉड्यूल है उसकी जो रिंग्स आगे पीछे वो भी मैच करने की कोशिश की है। फोन देखने में वैसे बढ़िया लग रहा है, होल्ड करने में भी कोई इशू नहीं आएगा, सिंगल हैंड ऑपरेशन पॉसिबल है। और जो बटन्स हैं इसमें, जो वॉल्यूम रॉकर की बात कर लीजिए, पावर ऑन ऑफ बटन, दोनों की फीलिंग अच्छी है, कहीं से भी चीप क्वालिटी के बटन्स नहीं लगते। बॉटम में आपको एक स्पीकर मिल रहा है और टाइप सी पोर्ट मिल रहा है चार्जिंग करने के लिए, और 3.5 mm जैक। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, यानी कि अगर आप ऐसे सुन रहे हैं ना, कुछ देख रहे हैं, तो दोनों स्पीकर काम आएंगे। और डॉल्बी एटमॉस का भी इसमें ठप्पा लगा हुआ है, तो क्वालिटी वाइज ऑडियो में कोई टेंशन नहीं आएगी। वहीं अगर फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट में इसमें गोरिल्ला ग्लास 3D प्रोडक्शन मिलती है, और जो बेजल स्पेस है 3 साइड के तो बराबर है, लेकिन बॉटम साइड का थोड़ा बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपके व्यूइंग में या कोई आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कंटेंट को, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको स्मूथ ही लगेगा। पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं, इस फोन में आपको 2 SIM की स्लॉट मिलते हैं, 2 SIM लगा सकते हैं या 1 SIM और 1 micro SD card। एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए तो वो डाल दीजिए। अब मेमोरी की बात कर लिए तो आगे बता देते हैं कि इस वाले फोन में आपको मिलती है 128 GB की इंटरनल मेमोरी, और ये 2 RAM वेरिएंट्स में आता है, एक है 4 GB और दूसरा है 8 GB। और ये फोन जो है एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, और 1 साल का इसको OS अपडेट मिलेगा, और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस की सपोर्ट मिलेगी। इस फोन को पावर करता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर, और जो हमारे इनिशियल यूसेज रहा उसमें हमें ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लगा, लेकिन कभी कभी हमें लग रहा थोड़ा सा स्लगिश हो रहा है, खासकर हम वेबसाइट को जब ब्राउज कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा स्लगिश लग रहा था। बट ओवरऑल जितने भी मल्टीपल ऐप्स आप खोल लीजिए उन सब में कोई इशू नहीं आ रहा था, हमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रही थी, कंसिडरिंग कि ये एक बजट स्मार्टफोन है। और यहाँ पर ये बता दें कि जैसे जब हमने इसको अनबॉक्सिंग किया था तब हमें इसके प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,000 से 11,000 के बीच में ये फोन का कॉस्ट आने वाला है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। इस फोन में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि 120Hz तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा जब इसमें कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, चाहे वीडियोज कंज्यूम कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, हमें कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा था। इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी, आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा मिस हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा व्यूइंग एंगल में थोड़ा सा इशू लग रहा था, बट ओवरऑल ऐसा कोई मेजर इशू इसमें नहीं लग रहा था इसके डिस्प्ले में। तो आप इसमें चाहें तो जो भी आपके OTT प्लेटफॉर्म से मूवी देख रहे हैं उसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज बताते हैं, जब आप फोन को सेटअप करेंगे तो आपको वहां पर ग्लांस ऐप का एक नोटिफिकेशन मिला है। ग्लांस वही ऐप है जो एक स्क्रीन सेवर ऐप है, जो मतलब लॉक स्क्रीन में भी आपको नोटिफिकेशन देता है, तो अगर आप चाहें तो उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं अगर आपको उनका कंटेंट नहीं चाहिए, जो ज्यादातर करंट अफेयर्स के बारे में वो पुश करता रहता है आपके लॉक स्क्रीन पे, और साथ ही साथ एड्स भी दिखाता है कभी कभी। अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की। इसमें आपको रेयर में डबल कैमरा मिलता है, एक जो मेन कैमरा है वो 50 MP का, और दूसरा है 2 MP का माइक्रो लेंस है, और फ्रंट में आपको मिलता है 16 MP का कैमरा। अगर कैमरा की UI की बात करें तो काफी क्लीन है, मतलब ऑल द स्टैंडर्ड चीजें जो आपको आजकल हर एक फोन में मिलती है वो दिख रही है आपको, लेकिन हमें एक बग इसमें लग रहा था कि अगर हम कंटिन्यूसली शटर प्रेस कर रहे थे तो वो रजिस्टर नहीं कर रहा था, थोड़ा पॉज देना पड़ता था। आई थिंक वो एक बग है इसमें, जिसका जल्दी से कोई अपडेट आ जाए तो बेटर है, क्योंकि वरना वो थोड़ा सा आपका स्लो परफॉर्मेंस देता है, ऐसा लगता है कि लैग है वहां पर, रुकावट के खेत के लिए बोर्ड का लगा हुआ है। बट ओवरऑल कैमरा के जो हम पिक्चर्स की बात कर लें, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी लगी हमें, खासकर इसके प्राइस रेंज को अगर हम कंसिडर करें। पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छे आ रहे थे, और इसके अलावा जो कलर्स थे वो भी काफी ट्रू टू द सोर्स थे, उसमें भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा था। और वैसे भी आजकल क्या हो गया, जितने भी फोन्स आ रहे हैं आउटडोर लाइटिंग या गुड लाइटिंग कंडीशंस में सब फोन्स अच्छे आते हैं। लो लाइटिंग में डिसेंट है ये फोन, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कम लाइट है तो ये फोन स्ट्रगल करेगा लो लाइटिंग में। बैटरी इस वाले फोन में आपको मिल जाती है 5000 mAh की। मीडियम यूसेज में आप 1 से 1.5 दिन तक का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
और फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि बैटरी की सेटिंग के अंदर आपको कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे एडाप्टिव बैटरी या फिर ऑप्टिमाइज चार्जिंग या ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको, जिसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करने की, और उसकी तबीयत भी ठीक रहे वो भी ध्यान रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर इन सबको यूज़ कर लिया तो वो अपने आप मैनेज कर लेंगे कि भैया कि आपको इस टाइम पर बैटरी कितनी चाहिए, तो सवा दिन के बदले फिर डेढ़ दिन का बैकअप मिल सकता है आपको। फ्रेंड्स अगर हैप्टिक्स की बात करें, जो हैप्टिक्स होता है ना, जब आप किसी चीज को प्रेस करते हैं एक वाइब्रेशन होती है, वो इस फोन में डिसेंट है, बहुत बढ़िया नहीं है, जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो 10,000-11,000 के फोन में देखा जाए तो काफी बढ़िया है। लेकिन एकदम आप अमेजिंग वाला एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन अपने प्राइस रेंज में बिल्कुल ठीक ठाक हैप्टिक्स का फीलिंग आपको मिलेगी इस फोन में। इसके अलावा इस फोन में आपको कुछ जेस्चर सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि क्विक लॉन्च हो गया, क्विक कैप्चर हो गया, इन सब के लिए जेस्चर सपोर्ट भी दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो साइड में पावर ऑन बटन है, और जो हमारा यूसेज रहा उसमें काफी अच्छा रहा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और फेस अनलॉक फीचर भी है इसमें, अगर आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर फोन की यूआई की बात करें तो काफी क्लीन रखा हुआ है, एक फोल्डर है मोटो का जिसमें मोटो के ऐप्स हैं और एक रिकॉर्डर ऐप दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छी बात है कि साफ सुथरा फोन रखा है, कि अगर आपको जो डाउनलोड करना है आप खुद ही डाउनलोड कर लीजिए, मोटो आपको पहले से डाउनलोड करके इसमें नहीं दे रहा है। वेल अब सवाल आता है कि आपको ये फोन लेना चाहिए। वेल इस फोन को देखिए तो डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, और जो परफॉर्मेंस है उसमें भी कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है, एक बग है कैमरा में जो आई थिंक एक अपडेट के जरिए सॉल्व हो सकता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, और बैटरी भी काफी अच्छी है, तो अगर आप चाहें तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, और फाइनल डिसीजन तो आपका ही रहेगा कि आपको ये ब्रांड का फोन चाहिए या किसी और ब्रांड का फोन चाहिए, वो तो आप डिसाइड करेंगे। बस इतना ही आज के इस वीडियो में, कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए।